बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सरदाई एक डिफरेंट तरीके के साथ। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं कि सरदाई बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले खशकाश लिए है 2 से 3 चम्मच, चारों मगज लिए हैं 2 से 3 चम्मच, 12 मैंने बादाम लिए हैं और इनको आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है और बाद में जो है वो पानी इसका अलग कर लेना है और बादाम के आपने छिलके अलहदा कर लेने हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने ली है चीनी और 2 जो है वो मैंने इलायची के दाने लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है कस्टर्ड का और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं, देखते हैं कि सरदाई किस तरीके के साथ तैयार की जाती है। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉयल कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे हमारे दूध को बॉयल होने के लिए। जितनी देर तक हमारा दूध बॉयल होता है तब तक हम इन तीनों चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके इसको ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले ये खशकाश को ऐड करेंगे। बाद में ये चारों मगज़ को ऐड करेंगे। और एंड पे ये बादाम ऐड कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें ग्राइंडर में डालने के बाद थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी डालने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड करने के बाद ये देखें हमारा पेस्ट रेडी हो गया है और हमारा दूध भी बॉयल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह दूध हमारा बॉयल हो गया, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के लिए हमने 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड लिया और ये थोड़ा सा पानी लिया। अब हम पानी में हम कस्टर्ड को ऐड कर लेंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्सअप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड हमारा अच्छे तरीके के साथ पानी में हल हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को ऐड करेंगे और चम्मच साथ हिलाते जाएंगे इस तरीके के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दूध में कस्टर्ड हल हो गया। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी और इलायची है, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी और इलायची अच्छे तरीके के साथ मिक्सअप हो गई है। अब हम इसमें ये जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया था ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको आपने हिलाते जाना है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम 15 से 20 मिनट दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करना, ना ही मीडियम रखना है। लो फ्लेम पे आपने 15 से 20 मिनट इसको पकाना है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद हमारी सरदाई रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट के बाद हम यहाँ फ्लेम को ऑफ कर देंगे, दूध को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद स्ट्रेनर की मदद से हम दूध को छान लेंगे और बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से सरदाई हमारी रेडी हो गई है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान है, रमज़ान में यूज़ करें, गर्मियों में यूज़ करें।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।